जी हाँ, ये प्रोग्राम हमारे गांव कचोरा अथनेरा आगरा में पेश किया जा रहा है, जिसके गायक क्षेत्रीय गायक यही के निवासी हरिशंकर ढोलक और संगति कर रहे हैं। भाई रामवीर जी अकोश दाऊ जी से झीका बजा रहे हैं, यही के निवासी देवा भाई साहब। और ये प्रोग्राम आपके पास पहुंचाने वाले वही पुराने आपके जाने पहचाने रोहतास डीजे साउंड जन्मथर से। फिर मानव के लिए बहुत ही सुंदर चेतावनी, पगले तू संसार में क्यों आया और क्या कर रहा है, क्या वायदे किए थे परमात्मा से लेकिन सारे वायदे भूल गया, क्या लिखा है? किया था तू जगत में भैया उल्टे सीधे काम कि मैं मेरी के बीच में और मत ना फंसे गमार, ये तू ही तू को जान ले तेरो हे जाए बेड़ा। धन्य रे लुढ़कर राजस्थानी तेरी छाती को, सुनेंगे एक छोटी सी भवानी। ओ मेरे खाटू वाले श्याम सहारा बन जाओ, श्याम सहारा बन जाओ, मैं जपू तुम्हारो नाम सहारा बन जाओ, मेरे खाटू वाले श्याम सहारा बन जाओ। नेताजी बार बार धन्यवाद, कष्ट न कोई रहता है बाबा तेरे दर पे आके, रोग दूर सब हो जाते हैं श्याम कुंड में नाके, रोग दूर सब हो जाते हैं श्याम कुंड में नाके। और ये 50 रुपए करतार भगत जी भूतन के तो नाए केंद्रित करेंगे। अब जिगड़ी सुना दूं, पहले तो स्वागत गाने में चले वो टाइम स्वागत गाने गाए और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे नेत्रपाल भाई साहब। बंधुआ
जय हो। और ये 50 रुपए हमारे फाल सिंह भाई साहब, बार बार धन्यवाद जिस समय। और 50 रुपया महाभारत का संग्राम समाप्त हो गया, राजा दुर्योधन सेना के सहित मारा गया। इधर महाराज एक दिन रात्रि के समय विचार करते हैं, मेरे 100 बेटे थे और सारे के सारे मारे गए, मैं क्या था और क्या हो गया। बंधुओं, मरने की बालों की यादें रात्रि के समय आती हैं। महाराज अंध की आंखों से आंसू झरने लगे कि अंधे की आंखों से आंसू झरने जैसे झरते, अंधे की आंखों से आंसू झरने जैसे झरते हैं। अरे बाप के आगे बेटे जाने किस कारण से, तो कैसो खेल विधाता तेरा समझ नहीं में पाया। और फिर यानी मंत्री पास, मंत्री संजय को बुलाया, कहा भैया क्या तू मेरे प्रश्नों को उत्तर दे सकता है। जी महाराज, अवश्य पूछिए, मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपका मंत्री हूँ, सारे प्रश्नों को उत्तर दूंगा। तो देखिए महाराज अंध क्या कहने लगे, बेटा काले गाल में सारे और मेरे आगे मेरे आगे मेरे और पुत्र तो गए क्यों मंत्री मारे। और ये 50 रुपए का पुरस्कार गुड्डू पहलवान जी, ये न खोटे काम रूठ गयो राम फिर तू मोटे, ये न खोटे काम रूठ गयो राम फिर तू मोसे, हरी कह नानो को में तो पूछ रहे हो तो, एक साइड तो कह रहा हूं ये हमारे भाई अरब सिंह के द्वारा 200 रुपए का पुरस्कार, एक तरफ तो कह रहा हूं कि नानू के तो मैं कछु कहूंगा ही ना गुरु है, कह रहा हूं छोड़ूंगा नानू के उन्हें धन्य रे दो बोले श्री सुनवार। पहले तो अपने प्रश्न के उत्तर सुन ले, विष्णु जी ने रूप धरे सत्योग में भुंडा सुंडा क्यों, देखो राजस्थानी और राजस्थानी ने भाषा वैसी होते गड़बड़ सी। भगवान ने 12 अवतार रखा था, 12 अवतार से ये 50 रुपए का पुरस्कार मेरे भाई रमेश, 12 अवतार को ये भुंडा सुंडा अवतार कहते हैं। पतझड़ के मौसम में होता पेड़ ये डुंडा क्यों, बैल के पूछ वो सीख क्या, ऐसी लाइन नहीं है कि पतझड़ के मौसम में होता पेड़ ये डुंडा क्यों, सारे पेड़ ढूंढे होते, ये पूछ का होता पेड़ न डुंडा क्यों, ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पतझड़ के मौसम में भी डुंडा नहीं होता। बातें कहते बेटा अंबर बेलवा पे पत्ता ही ना झड़ेगा। और सुन, स्वर्ग लोक की गंजी पे बैठा सा गुंडा को गुंडा क्यों, जैसो तू गुंडा ऐसो वो इंद्र देवता गुंडा, बाने जाने कितने छलकरे और तेरे छलकर कर की जी उड़े, बलवंत साहब तेरे उम्र तेरा उड़े,
बुगुंडा से तू गुंडा। लास्ट बात, ब्रह्मा जी के दाढ़ी मूछे और देव मुछ मुंडा क्यों। आज कोई बात मारो धनी हो ना, दिखा दे मेरी बात में तुम्हें, उसी को कहते मूछो वाला। जो कह रहे थे मूछन मारो बात पता नहीं है तुमको। सब देवता ने छल करे, विष्णु जी ने छल किए, भोले बाबा ने छल किए, लेकिन एक धब्बा आज तक ब्रह्मा जी ने नहीं लगा, इसलिए वो दाढ़ी मूछो वाला है। ये तेरे प्रश्नों के उत्तर हो गए। प्रश्न तो बीच में जाऊंगे और ये 100 रुपए हमारे देश प्रधान जी। प्रश्न पूछूंगो एंड में, अब ये संत बात कर लू। राम नाम की लूट मची कर ले भजन हरी को भैया भव बंधन से छूटे गो। कर ले भजन हरी को बंदे भव बंधन से छूटे गो। राम नाम की लूट मची जाए कोई कोई लूटे गो। राम नाम की लूट मची के सामने। भैया मेरे बेटे कोई मामूली बेटे नहीं थे, नहीं ठिकाना दुशासन का, नहीं ठिकाना दुशासन का, जिससे योद्धा डरते थे और दुर्योधन सा वीर जिसकी पक्षी छाया। सो कैसे धरे धरा पर रह गए, कैसे धरे धरा पर रह गए वो वीर महानरबंग का। और मेरे मन में है रही इतने बलवान बेटे मेरे, वो कैसे मारे गए। मंत्री मुझे भरोसा है मेरे बेटे बल से नहीं सिर्फ छल से मारे गए। छल छल कन्हैया ने किया उनके साथ में। मंत्री संजय ने सिर्फ एक शब्द बोला, महाराज मुझे नहीं पता आपके बेटे कैसे मारे गए। क्या तूने महाभारत नहीं देखा? मैंने महाभारत देखा, लेकिन ये पता नहीं किसे किसने मारा। मंत्री तू झूठ बोल रहा,
नहीं प्रभु मैं झूठ नहीं बोला, मुझे नहीं वाकई मुझे पता नहीं। अच्छा तो सुन, मेरे बेटे मरते नहीं देखे और ये भी नहीं देखा तूने, क्या पूछा? दिए पिता मेहमार, दिए पिता मेहमार और श्यामनी छल कर गाढ़ो है ये, दिए पिता मेहमार श्यामनी और छल कर गाढ़ो है। अरे बा हिजड़ा तू, बा हिजड़ा तू और पुल पाए अगारी कर दियो ठाड़ो है। लगवा करके ये छल कर दिया, मेरा बेटा मारा गया, जंगाएं तोड़ दी, ये तूने देखा नहीं, ये छल नहीं था। फिर भी कहा मंत्री संजय ने, राजन मैंने फिर भी कुछ नहीं देखा। इतना झूठ मत बोल मंत्री, इतना मुझे गुमराह मत कर, तूने सब कुछ देखा है। और सुने क्या कहा, कहना अगर ये बात भी ना
बिना तूने देखियो तो रे कैसे अरे कैसे के तारा संजय ने अपने बुखार बिंद से एक शब्द कहा है, वो उड़ान के माध्यम से सुनिए क्या कहा। सो भैया मेरे अब ये मंत्री बोलो राजन और काहू ने कियो भोग को सो भोग भोगली फिर से 100 रुपए का पुरस्कार भाई रविंद्र भौजी। देखो बड़े बूढ़े ने की एक कहावत है, जाकी बात को पतो ना है बाकी बाप को पतो ना है। मैं नहीं कह रहे बुजुर्ग कहते चले आ रहे हैं। कितना भी पैसे वाला हो और जाकी बात ना है बात में दम ना है अकेले ये गाने पर तापले कोई राम राम करिए पैदा ना हो। एक भिखारी हो उसके पास उसकी बात है उससे बड़ा ताजमहल वाला दुनिया में कोई हो नहीं सकता। सुनिए बात बात क्या होती है। ये मती बिगाड़ो बात
बनी क्या मस्ती बिगारा बात या बनी तुम रखो बनाए के बात और जाकी बात जाकी बात बिगड़ जाए बाकी ना पूछे कोई बात जाकी बात भैया
मनी या जीवन में मोह बनाए भाई बात कोई मैंने खाए कछु लोग दुनिया में देखो बात कोई खाई रहे तो पैसा की बात ना है पर पूरी बात बनाई रहे अपनी बात बनाए दे तू अपनी बात बनाए दे तू हर बात में टांग अड़ाई रहे दो चार गुंडा हरे काम में मिलेंगे ऐसे मेरी बात ठाड़ी है जाए गांव की फिकर जा आठ फिर कोई मतलब नहीं गांव की बात है अपनी बनिया कछु लोग दुनिया में देखो देखो पे दो भैया को रकम ने कर आवे तो कछु ने तो गेर रो कछु ने जेब में धर रो जने कहा करे को कछु लोग दुनिया में देखो पातन कोई खाई रहे जय हो निकर तो आए सारे क्या मेरे पैया निकले जेब में फरफरा के कछु लोग दुनिया में देखो पातन कोई खाई रहे अपनी बात बना दे तू हर बात में टांग अड़ाई रहे हरी कह जे बेबा कह पाटन के पूठ बनाई रहे ये बात अब लल्लू लुड़कन तू अपनी बात सुन ले लाला।